मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, जिस परिवार के दो दो लोगों ने बलिदान दिया हो उस परिवार की सुरक्षा हटाना संदेह के घेरे में है। गहलोत ने कहा कि किसी भी फैसले पर पहले चर्चा होती है, लेकिन अचानक सुरक्षा हटा देना समस्या परे है, जबकि एसपीजी की रिपोर्ट पहले ही गांधी परिवार को खतरा बता रही है। ऐसे समय एसपीजी सुरक्षा हटाने का क्या अर्थ है? इसका जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव बहुत हाई पिच पे ले गए थे। ऐसा माहौल बना देता है कि एक तरफा बीजेपी जीत रही है, दोनों मुख्यमंत्री रिपीट हो रहे हैं और कोई मैं हरा नहीं सकता। एक तरफा जीत होगी, हाई पिच पे ले गए। कैंपेन किया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, भयंकर कैंपेन किया। उनको मालूम था कि कुछ भी हो सकता है और नतीजा आपके सामने है। जनता ने इनको संदेश दे दिया, उससे और डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए फैसले ऐसे ऐसे करते हैं इस तरीके से, जिससे कि उन फैसलों में आलोचना होती है, चाहे वो सीबीआई वाला हो चाहे आपका ये एसपीजी वाला हो। तो ये जो फैसला हुआ कल वाला, मैंने कोई पत्र लिखे थे 2014-15 के अंदर, राजनाथ सिंह जी को गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री जी उस लिखे थे। उस वक्त मैंने कहा था कि मेरा अनुभव कहता है कि आजकल जो सरकार बदलने के बाद में एसपीजी का जो तरीका काम करने का, उसमें डिले बन आ गया, क्योंकि उनको स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, चाहे राजस्थान में सोनिया गांधी आई हो कोटा के अंदर, चाहे और जगह दौरे हो रहे हों, दिल्ली में हम जाते हैं वहाँ कभी टेन जनपद, तो लगता है कि बदलाव आ गया। तो मैंने उनको वार्न किया कि आप एसपीजी को वापस स्टेशन दें, जिससे कि कोई ऐसी घटना नहीं हो और वो अपना कर्तव्य पूरा ढंग से कर सकें। मैंने उनको पत्र लिखा है। तो क्या कारण है कि राजनाथ सिंह जी हटते ही अमित शाह जी आए और उन्होंने फैसला करवा दिया? राजनाथ सिंह के वक्त में 5 साल तक क्यों नहीं फैसला हुआ? खतरे वो जो उस वक्त थे वो आज भी है, एसपीजी खुद मान रही है। तब क्या कारण है उसके बावजूद